हेलो दोस्तों, ये है IRCOM मिनी, जो एक एंड्रॉयड रिकवरी टूल है। इसमें IRCOM 13 के ही 5 फंक्शंस ऐड है। इसे ऑन करने के लिए हम 5 वोल्ट अडेप्टर का यूज़ करेंगे। इसमें 5 फंक्शंस है, जो पहला है IR डिकोडर का, दूसरा है IR सेंडर, तीसरा है UART, जो जिससे हम रिकवरी करते हैं RFTX का कनेक्शन करके। फिर उसके बाद है USB टू TTL, और इसका पांचवा फंक्शन है अपडेट का। हमने इसे अपडेटेबल बनाया है, तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं जब भी इसका अपडेट आएगा वेबसाइट से डाउनलोड करके। इसका पहला फंक्शन है IR डिकोड का। हमारे पास ये चाइना M90 रिमोट है। इसमें हमें प्रोटोकॉल, एड्रेस, कमांड, रिमोट का नाम और कौन सी बटन प्रेस हुई है वो शो करेगा। इसके मेन्यू में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे मेन्यू, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, इसके मेन्यू में हम आ जाएंगे। हमारे पास ये बोर्ड है जो बूट एनिमेशन पे हैंग है। हम इसमें IRCOM मिनी से रिकवरी करने वाले हैं। बोर्ड को ऑन करके पहले प्रॉब्लम देख लेंगे। बोर्ड को ऑन कर लेंगे। स्टैंड बाय कर लेंगे। यहाँ पर हैंग हो जाता है आकर। बोर्ड को बंद कर लेंगे। कनेक्शन कर लेंगे RXTX ग्राउंड। हमारे पास इसका डेटा केबल है VGA का, तो हम डायरेक्ट अटैच कर लेंगे। IRCOM मिनी में भी कनेक्शन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे 5 वोल्ट का अडेप्टर लगाकर। अब हम रिमोट में प्रेस करेंगे मेन्यू, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ये हम मेन्यू में आ गए हैं IRCOM मिनी में। अब URT में ओके प्रेस करेंगे, बाउड रेट सेलेक्ट कर लेंगे 115200। अब बोर्ड को ऑन करेंगे, सीरियल प्रिंट ले लेंगे। सीरियल प्रिंट आ चुका है, मतलब हमारा कनेक्शन हो चुका है। बोर्ड को ऑफ कर लेंगे।
पहले बोर्ड को डिस्चार्ज होने देंगे। अब हम कंसोल कमांड सेंड करेंगे रेड बटन प्रेस करके। यहाँ पर हम ऑल कंसोल सेलेक्ट कर लेंगे, 5 पर ओके प्रेस करेंगे। अब बोर्ड को ऑन कर लेंगे। कंसोल मोड में हमारा आ चुका है बोर्ड। अब ग्रीन बटन प्रेस करेंगे हम रिकवरी के लिए। ऑल रिकवरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम, ए नंबर पे है ऑल रिकवरी। ओके प्रेस करेंगे। यहाँ रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। हमारा बोर्ड रिकवरी में आ चुका है। अब हमें रिमोट यूज़ करना होगा बोर्ड का। अगर हमारे पास रिमोट नहीं है तो हम IRCOM Mini को भी ऐसा रिमोट यूज़ कर सकते हैं। ब्लू बटन प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे। फिर मेन्यू में जाने के लिए मेन्यू ब्लू येलो ग्रीन रेड प्रेस करेंगे। मेन्यू में एंटर हो चुके हैं। दो नंबर पे फंक्शन है IR, इस पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर रेड और ग्रीन से अप डाउन करेंगे, रिमोट सेलेक्ट करेंगे। तो एक नंबर पे चाइना का रिमोट है, इसे चला कर देखेंगे। ये बोर्ड में ऑपरेट हो रहा है, इसे भी कर सकते हैं। या फिर हमारे पास बोर्ड का रिमोट है, उसे भी कर सकते हैं। हमारे पास तो मौजूद है। तो पहले हम कर देंगे वाइप ऑल डेटा, यस करेंगे। यस कर देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे वाइप कैच पार्टीशन। अब रिबूट कर देंगे हम, स्टैंड बाय कर लेंगे। ये हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। जो पहले लोगों पर हैंग था, अभी ऑन हो चुका है। इसका प्राइस अभी 1500 रुपये है, जो आगे जाकर कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके साथ में हमें ये 3 पिन का RSTX का वायर मिल जाता है और एक डेटा केबल मिल जाता है और रिमोट मिल जाएगा चाइना M90। और आप हमारे पास से ये कुछ केबल्स भी ले सकते हैं। ये HDMI केबल है, आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। और ये एक 3 पिन का वायर है जिसमें 3mm का भी सॉकेट लगा हुआ है, और ये भी ले सकते हैं आप, जो हमने अभी यूज़ किया VGA का। कॉन्टेक्ट करके आप ये सब वायर भी ले सकते हैं।